अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब की सेटिंग पे जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने बेल के आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट, पूरा फोकस करिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा ये टॉपिक, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बेसिकली पहचान आती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, बस उससे पहले जावर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, सिर्फ जावर्ड एक्स्ट्रा। और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इज ए मार तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ में बीन आ जाएगा, बींग बींग B-E-I-N-G, जिसका कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। ये सिर्फ सेंटेंस के पैसिव वॉइस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। अब इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले वह इंग्लिश सीख रहा है, ये तो आपको पता है एक्टिव वॉइस है, वह इंग्लिश सीख रहा है, कौन वह है, क्या इंग्लिश, सीखना वर्ब, रहा है पहचान। दूसरा एग्जाम्पल, राम एक पत्र लिख रहा है, कौन राम, क्या एक पत्र, लिखना वर्ब, रहा है पहचान। दूसरा, बड़ई एक कुर्सी बना रहा है। तो देखिए, जब ये सेंटेंस बनेगा आपका तो आपके पास एक बेसिक रूल है, सब्जेक्ट इज ए मार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा लाओ। ठीक है, तो देखिए, वह इंग्लिश सीख रहा है, इसके ट्रांसलेशन में ही इज लर्निंग इंग्लिश, एक के साथ इज आता है, सभी को पता है, क्योंकि रहा है पहचान आ रही है और ing लगेगा रहेगा, लर्न फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिया, लर्निंग हो गया इंग्लिश टू इंग्लिश। दूसरा, बड़ा ही कुर्सी बना रहा है, कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। तो पहले सेंटेंस की अगर बात करें हम, वह इंग्लिश सीख रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जब पैसिव में बनेगा, ये इंग्लिश उसके द्वारा सीखी जा रही है, ये देखिए इंग्लिश उसके द्वारा सीखी जा रही है। तो देखो, यहाँ पे सीखना तो क्रिया हो गई, लेकिन जावर्ड का कोई मतलब नहीं है, और रहा है रही है तो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान, लेकिन इसमें द्वारा करके सब्जेक्ट आ रखा है और इंग्लिश पहले लगा रखा है, इसलिए पैसिव वॉइस है। दूसरा, राम एक पत्र लिख रहा है, इसमें एक पत्र ऑब्जेक्ट है, तो एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है, बात वही है। दूसरा, बढ़ई कुर्सी बना रहा है, तो कुर्सी बढ़ई द्वारा बनाई जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे ना आप फोकस करिएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट पे, सिर्फ फोकस करिएगा ऑब्जेक्ट पे। पैसिव वॉइस के अंदर जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा इज एम आर में से क्या लगेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इज, दो ऑब्जेक्ट है तो आर, समझ रहे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट लिखा पहले आपने, आपने फिर इज एम आर में से एक लगाया, देन आपने बीइंग लिख दिया, देन आपने थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर बाय करके सब्जेक्ट। तो बिल्कुल बी केयरफुल होके सेंटेंस बनाइए। पहला सेंटेंस इंग्लिश उसके द्वारा सीखी जा रही है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन इसकी होगी। दूसरा, अब राम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो इसमें पत्र ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा, राम द्वारा है तो उसे आप छोड़ दीजिए, वो बाय करके आ जाएगा, लिखना वर्ब है, तो बाय राम कर दिया, तो लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। तो बढ़ई द्वारा कुर्सी बनाई जा रही है, तो यहाँ पे चेयर इज बीइंग मेड बाय कारपेंटर। नेगेटिव में क्या होता है एक्टिव वॉइस में, अब वही है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट उसमें क्या होगा, नहीं लग जाएगा सेंटेंस में, नहीं लग जाएगा, और सेंटेंस मेकिंग वैसी रहेगी। पहला सेंटेंस, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो देखो नहीं आ गया सेंटेंस में, और वह भी सब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई एक्टिव वॉइस है। दूसरा, सोनिया गांधी संसद में भाषण नहीं दे रही है, तो रही है ना। दूसरा, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, तो देखिए जो भी आपने सेंटेंस बनाया था अभी एक्टिव वॉइस में सिंपल में, उसके इजर मार्क के बाद बस आप नॉट लगा दीजिए, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस है,
मैं अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल. नेक्स्ट, सोनिया गांधी संसद में भाषण नहीं दे रही है, तो सोनिया गांधी इज नॉट गिविंग स्पीच इन पार्लियामेंट. तो देखो, सोनिया गांधी के हिसाब से हमने इज लगाया एंड देन फिर हमने नॉट लगा दिया एंड देन हमने गिविंग एना वर्ब बनाया तो आईएनजी लगा दिया. भाषण ऑब्जेक्ट था तो स्पीच लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डस्मिथ इज नॉट मेकिंग रिंग. अब देखिए, दोनों तीनों सेंटेंस के अंदर जो नहीं वाले आपने बनाए, इसमें ऑब्जेक्ट जो मेन थे, इसमें था अपनी गुड़िया ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें भाषण ऑब्जेक्ट और इसके अंदर अंगूठी ऑब्जेक्ट. तो जब ये पैसिव वॉइस बनेंगे तो यहाँ पे होगा अपनी गुड़िया है, तो मैं बोलूंगा उसकी गुड़िया से उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा, उसकी गुड़िया उसके द्वारा नहीं खेली जा रही है. नेक्स्ट, सोनिया गांधी संसद में भाषण नहीं दे रही है, संसद में सोनिया गांधी द्वारा भाषण नहीं दिया जा रहा है, तो क्या भाषण ऑब्जेक्ट है. दूसरा, यहाँ पे अंगूठी है, सोनार द्वारा अंगूठी नहीं बनाई जा रही. तो देखिए, आप जब इसको पैसिव में बना रहे हो और जब इसको बनाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा पहले, फिर इजमार, फिर नॉट बीइंग, यानी कि इजमार बीइंग जो लग रहा है उसके बीच में नॉट लगाया है आपने, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाया. तो यहाँ पे सेंटेंस में उसकी गुड़िया ऑब्जेक्ट है, उसकी गुड़िया एक है, तो हर डॉल इज नॉट बीइंग, हर डॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर. सोनिया गांधी संसद में भाषण, सोनिया गांधी के द्वारा संसद में भाषण नहीं दिया जा रहा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाषण, तो स्पीच एक है, तो इज नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए, बीइंग लगा दिया, देन देना गिवन थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे फिर बाय करके सब्जेक्ट बाय सोनिया गांधी, पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट, तो स्पीच इज नॉट बीइंग गिवन बाय सोनिया गांधी इन पार्लियामेंट. ठीक है, दूसरा, सोनार द्वारा अंगूठी नहीं बनाई जा रही है, तो रिंग इज नॉट बीइंग मेड बाय गोल्डस्मिथ. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या आगे आ जाता है, क्या लड़कियां कमरों में पढ़ रही है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या वह अब पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या के लिए इस जमाने में से आगे आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी है, आर गर्ल्स स्टडिंग इन रूम. नेक्स्ट, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ तो उसकी ट्रांसलेशन है एम आई राइटिंग अ लेटर. दूसरा, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गया इज ही रीडिंग अ बुक नाउ. तो इंटरोगेटिव में वही क्या तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, क्या बच्चों को राम द्वारा सिखाया जा रहा है, दूसरा, क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, क्या किताब आप उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इजमार आगे आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बीइंग, यानी कि बीइंग जो है ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा एंड देन इजमार पहले, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय करके सब्जेक्ट और एक्स. ठीक है, क्या बच्चों को राम द्वारा सिखाया जा रहा है, तो आर चिल्ड्रन बीइंग टॉट बाय राम, क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो उसकी ट्रांसलेशन है इस लेटर बीइंग रिटन बाय मी. क्या किताब अब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो ये इज बुक बीइंग रेड बाय हिम नाउ, दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और दिस इज इट इन दिस क्लास.